Subscribe and click the bell icon for all the television updates. I think push हो गया है। उसे हमें 3 साल से approach किया जा रहा था। I think वो number one reality show है और मुझे हमेशा से करना था। बहुत जल्दी आपको नजर आ सकते हैं। देखिए। एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक मूवी आ रही है जिसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और उसमें अभिषेक डेब्यू कर रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अभिषेक को आज से नहीं जान रहा, मैं उसको पिछले 10 सालों से जानता हूँ। हमने साथ में मॉडलिंग शुरू की थी दिल्ली में, तो तब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और एंड आई हैव सीन हिज स्ट्रगल ऑल्सो, आई हैव सीन हिम ग्रो। और बहुत बड़ी बात है कि अब आज ये फिल्म कर रहा है और इसकी फिल्म रिलीज़ होने वाली है और डेब्यू कर रहा है धर्मा के साथ। तो आई जस्ट विश हिम लक और डेफिनेटली ये फिल्म सुपर हिट होगी। और पुनीत मल्होत्रा सर के साथ भी मैंने 2 एड्स किए, धर्मा के साथ भी मैंने 1 एड किए, तो आई नो कि अमेजिंग बैनर है, किसी का भी ये ड्रीम होगा एंड आई एम श्योर उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। अच्छा, इसी के साथ साथ आज का थीम रखा गया था स्टूडेंट का लुक कैरी करना था। डेफिनेटली मैं स्टूडेंट की तरह ही देखो आया हूँ, कॉलेज में मैं ऐसे ही जाता था, मुझे इसने बोला स्टूडेंट बन के आना है, तो मैंने कहा यार कॉलेज में तो अब ऐसे ही हम होते थे, तो अभी यहाँ आकर देखा कि स्कूल यूनिफॉर्म में सब है, तो हाँ ठीक है। इसी के साथ कांची भी एक्सपेक्टेड थी, कहाँ है कांची? कांची एक्चुअली शी इज इन वेल, तो वो घर पे रेस्ट कर रही है, आजकल काफ़ी जिमिंग वगैरह करी तो थक जाती है, तो आई थिंक उसको थोड़ा सा बुखार चढ़ा हुआ, ज़्यादा वर्कआउट कर लिया उसने। तो जल्दी नच परिये भी आने वाला है और आप और कांची काफी जल्दी तो नहीं आने वाला, आई थिंक पुश हो गया है, पर हाँ काफ़ी सालों से हमें 3 साल से अप्रोच किया जा रहा था, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे, कितना रुझान है अब रियलिटी शोज की तरफ, एक ऑलरेडी कर चुके हैं एक आधा? बिग बॉस किया था, आई थिंक वो नंबर वन रियलिटी शो है और मुझे हमेशा से करना था, वो मैंने सारे सीजन्स फॉलो भी किए थे। और सलमान सर के साथ मतलब ऑब्वियसली वो ड्रीम होता है किसी का काम करना उनके साथ, तो स्टेज शेयर करना डेफिनेटली। और आई थिंक अभी फ़िलहाल जो मैं करना चाहूँगा खतरों के खिलाड़ी है, क्योंकि वो मेरी तरह का वो है, जैसा मैं इंसान हूँ मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, तो मुझे वैसा शो करने का काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड हूँ मैं, सो लेट्स सी बात चलती रहती है। तो इसी के साथ साथ टीवी की अगर बात की जाए तो स्मॉल स्क्रीन पर कब नज़र आएंगे? बहुत जल्दी आपको नज़र आ सकते हैं, देखिए बहुत चीज़ें चलती रहती है, इतना टाइम लगता है शो को शुरू होने में, मतलब पहले ऑडिशंस होते हैं, लुक टेस्ट होते हैं, मॉक शूट्स होते हैं, फिर डिस्कशंस होती है, फिर चीज़ें पुश हो जाती है, फिर इतना कुछ है ना इसमें, मतलब टीवी के अंदर टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो बस लेट्स सी, आई जस्ट होप कि जल्दी मैं आपको नज़र आऊँ टीवी पर या फिल्मों में। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभिषेक की फिल्म आप देखिए, आ रही है 10 मई को रिलीज़ हो रही है, और आप सब उसको भी विशेज़ दीजिए कि उसकी फिल्म हिट हो। थैंक यू सो मच।